अस्सलाम वालेकुम अमीज़ किचन में मैं अरसला आपको एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं, आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया अमीज़ किचन को इतना पसंद करने के लिए और रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए, बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहिए अमीज़ किचन में, आगे और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सा जो है पुलाव बनाने जा रहे हैं व्यूअर्स। आज हम मज़ेदार सा मटन देगी पुलाव बनाने जा रहे हैं। आप लोग जो इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, मज़ेदार सा मटन देगी पुलाव बनाने के लिए हमने ये जो है बकरे का गोश्त लिया है, 1.5 किलो ये गोश्त है बकरे का, और ये 1.5 किलो ही राइस है, इसको हमने भिगो लिया है। ये हमने सेला राइस लिए हैं, 2 घंटे हमने इसको भिगोने के लिए रखेंगे। और ये 1 बिंच जो है कड़ी पत्ते का है, देखिए 1 बिंच लिया है। और ये सब मसाले जो है यखनी में जाएंगे। ये भगार के लिए है, ये 2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें, 1/2 टेबलस्पून लौंगे, ये जो है 2 बादियान के फूल हैं, 2 से 3 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, और ये कुछ टुकड़े जो है दालचीनी के हैं, और 2 जो है छोटी इलायची है, और ये 3 पत्ते जो है ये तेज़पात के हैं, और ये 2 प्याज़े हैं। इस तरह से मोटी मोटी स्लाइस कर लिया था, यखनी में जाएगी। और ये जायफल जावित्री का जो है पाउडर है, ये तकरीबन 1/2 टेबलस्पून लिया है। और ये यखनी में डालने के लिए 2 टेबलस्पून ये धनिया है, इसको हम जो है इस तरह से एक कपड़े में, और 2 टेबलस्पून सौंफ है, उसको डाल रहे हैं यखनी चढ़ाएंगे। और ये देखिए कुछ तेज पत्ते के लीव, और ये इसको हम पानी देखें रख दिया था पहले से, बॉयल हो गया है। देखें इस पूरे कपड़े को इसके अंदर डाल रहे हैं, और ये 2 जो है लहसुन के वो डाल रहे हैं, और ये कुछ टुकड़े अदरक के, और अब ये गोश्त डाल रहे हैं। नहीं डाला, ये सारा हम गोश्त डाल रहे हैं। और ये नमक डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून भर के नमक डालेंगे। अच्छे से जो है इसको मिक्स करेंगे, और ये अब जो है ये प्याज डाल रहे हैं हम। तो देखिए वीवर ढक के रख रहे हैं, आधे से पौन घंटा लगेगा इसको यखनी को पकने में, और फिर हम चावल भगा देंगे। तो वेट करते हैं आधे से पौन घंटे का। देखिए वीवर पौन घंटे बाद, आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा बाद जो है ये देख रहे हैं, और देखें ये हमारी यखनी जो है डन हो चुकी है, गोश्त गल गया है, और देखें सारे मसालों का जो है उसके अंदर आ गया है, सारे मसाले जो है अच्छे से फ्लेवर्स आ गए हैं। और अब इसको उतार रहे हैं, और अब जो है चावलों को भगाते हैं। देखिए व्यूअर्स ये हमने जो है प्याज जो है ब्राउन कर ली है, देखिए 1 बड़ी प्याज, और अब वही कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि कम रहेगा। अब ये तकरीबन जो है 2 प्याली जो है हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, और अब ये सारे जो है मसाले गरम मसाले डाल रहे हैं। और अब ये कड़ी पत्ता का बिंच डाल रहे हैं, पूरा हमने 1 यूज़ किया है बिंच। देखिए व्यूअर ये थोड़ा सा हो गया है, अब हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, तकरीबन ये 1 छोटी प्याली डाल रहे हैं भर के। ज़्यादा है पुलाव क्वांटिटी में, इसलिए ज़्यादा यूज़ किया है लहसुन अदरक। देखिए व्यूअर ये छोटी जो है हरी मिर्च है, 20 से 25 जो है होंगी, इसको हमने अच्छे से कूट लिया है, मोटा मोटा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ये डाला है। देखिए व्यूअर ये 3 बड़े टमाटर हम इसके अंदर डाल रहे हैं, अच्छे से भुनेंगे। देखिए कितने मज़े की खुशबू आ रही है इस मज़ेदार से जो है देगी यखनी पुलाव की। देखिए व्यूअर ये 1/2 किलो जो है दही है ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर, पूरी 1/2 किलो डाल रहे हैं, फेंट लिया था इसको। देखिए व्यूअर ये लहसुन हैगा, ये जो उसका था
यखनी में जो हमने यूज किया था, अब इसको हम इस तरह से मसल कर इसी के अंदर ही डाल रहे हैं, फेंकना नहीं है इसको। देखिए विवाह, ये सारे मसाले जो है अच्छे से भून गए हैं और अब जो है हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। देखिए यखनी को हमने अलग कर लिया है, अब ये गोश्त को हम डाल रहे हैं। पहले अच्छे से भुनेंगे मसालों के साथ, ताकि जो है इसके अंदर भी जो है मसाले चले जाएं गोश्त के अंदर भी। देखिए व्यूअर्स, ये भुन गया है। एक मुट्ठी हरी मिर्च डालेंगे, छोटी वाली यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अगर कम वो खाते हैं, कम मिर्च वाला खाते हैं, तो उसको स्किप कर सकते हैं। और अभी यखनी डाल रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ये यखनी पूरी हो गई है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी में ही चावलों को डाल लेंगे। नमक डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून नमक डाला है हमने। देखिए व्यूअर्स, पानी पक चुका है यखनी डालकर, यखनी वाला जो पानी था। अब जो है इसके अंदर हम ये सारे चावलों को डाल रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ये पुदीना डाल रहे हैं, एक गड्डी है पुदीने की, ये डाल रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, इसको ढक रहे हैं। अब 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको दम पर आने में। इसको जो है ढक के हम रख रहे हैं। अरे देखिए व्यूअर्स, ये 20 मिनट बाद देख रहे हैं दम पर आ चुके हैं ये हमारे चावल। और देखिए कितने अच्छे से जो है ये दम पर आ गए हैं। ऊपर से हमने प्याज डाल दी थी और अब इसको डिश आउट कर रहे हैं। मज़ेदार सा ये मटन देगी पुलाव डन हो गया है। देखिए बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और देखिए व्यूअर्स, ये डन हो गया है मज़ेदार सा मटन देगी पुलाव। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी इसको ये रेसिपी। और हमने इसको देखिए रायता और जो है सैलेड के साथ सर्व किया है। सैलेड में हमने जो है थोड़ी सी एक बस प्याज का वो रखा है और इस तरह से देखें डेकोरेट किया है धनिए और जो है इसके छिलकों के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से जो है मटन देगी पुलाव की रेसिपी को। अभी तक अगर आप लोगों ने अमनीस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अमनीस किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।